नमस्कार, मैं वापना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें, इस शिविर में लगभग 121 मामले पहुंचे, जिनमें से 50 मामले ऐसे रहे जिनका तुरंत समाधान किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की पहल पर आज कंट्रोल रूम में CM हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग SDOP थाना प्रभारियों को बुलाया गया और काउंटर लगाकर मामलों का निराकरण किया गया। इस शिविर में 121 मामले आए, जिसमें से 50 मामलों में तुरंत निराकरण किया गया। बाकी बचे हुए मामलों में फरियादियों की शिकायत से संतुष्ट नहीं, जिससे SDOP ने और थाना प्रभारियों को मौके पर जाकर देखने का आदेश किया। इस शिविर में DIG अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा सहित जिन थानों में ज्यादा CM हेल्पलाइन की शिकायतें थी, वो सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। सर, ये जो आज शिविर लगाया गया है, ये CM हेल्पलाइन में, CM हेल्पलाइन एक अभिनव प्रयोग है हमारे मुख्यमंत्री साहब का। तो मुख्यमंत्री जी ने चलाया था कि इस फोरम पे लोग शिकायतें करें, तो उन शिकायतों के निराकरण के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया कि जो भी CM हेल्पलाइन में शिकायत किया है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी उस शिकायतों को पुलिस द्वारा बहुत बेहद संवेदनशीलता से लिया जाता है। उसी तारतम्य में एक शिविर बनाकर लोगों को सुना जाए, ताकि शिकायतों की वास्तविकता से हम अवगत हो सकें और तमाम ऐसी शिकायतें जो निराकृत नहीं हो सकती हैं, उसको लोगों से बातचीत करके निराकरण कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। इसके अलावा कई मामलों में निर्णय के अभाव में शिकायतें चलती रहती हैं, तो उसमें निर्णय लिया जाकर कायमी वगैरह कराकर उनका निराकरण किया जाने का के लिए किया गया। तो इसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। लगभग 30 शिकायतें अभी तक संतुष्टिपूर्वक निराकृत हो गई हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और शिकायतें निराकृत हों। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।